वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। सो वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। और टाइम हो रहा है सुबह सुबह का, और सुबह का जो नॉर्मल रूटीन होता है झाड़ू वगैरह वो सब मैंने निकाल दी है पूरे घर में। और उसके बाद फ्रेश होके मैं आ गई हूँ अपनी किचन में आगे का काम करने के लिए। और यहाँ पर ना मैं झटपट से बना रही हूँ अपने बेटे के लिए टिफ़िन, क्योंकि आजकल स्कूल खुल गए हैं तो, और बच्चों का होता है ना उसी की डिमांड पर सुबह का टिफ़िन बनता है, क्योंकि वैसे भी आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा वो पढ़ाई में मैं उसको ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ ना, तो वो बोलता रहता मम्मा मैं ये खाऊंगा, मम्मा वो खाऊंगा, तो मैं भी चलो ठीक है कोई नहीं। सो यहाँ पर देखिए मैंने पानी भगोने में पानी भर के रख दिया है उबलने के लिए, थोड़ा सा नमक उसमें डाल दिया है। और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हैं जिनको मैं फटाफट से काट ले रही हूँ। तो मैंने ली है टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, मुझे गाजर भी इसमें अच्छी लगती है, पर आज मेरे पास गाजर नहीं है। तो चलिए जो भी सब्ज़ी हैं उनको मैंने काट लिया है अच्छे से। और उधर हमारा पानी उबल गया था तो उसमें मैंने डाल दी है मैक्रोनी उबालने के लिए, तो मैं उसके टिफ़िन के लिए मैक्रोनी बना रही हूँ। और इधर मैंने पानी कर लिया था अपने लिए गर्म, तो बस एक गिलास पानी मैं बैठ के आराम से पी लूँगी जब तक हमारी मैक्रोनी उबलेंगी। और मैं मैक्रोनी रख के आई थी ना उबलने के लिए, तो मैं इधर बैठी तो शुरू में उफान आता है ना, तो इसलिए बस झटपट से मैं गैस को करने गई थी, मीडियम गैस हाई फ्लेम पे हो रखी थी। तो और उधर अंदर मेरा बेटा भी हो रहा है तैयार, और बस मैंने पानी पी लिया है। और हमारी ना मैक्रोनी उबल गई है तो उसको मैंने पलटा दिया है एक जालीदार बास्केट में ताकि सारा पानी निकल जाए, और उसको रनिंग वाटर उसके ऊपर चला दिया है ताकि वो ना उनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और वो चिपके ना आपस में। और इधर देखिए हमारा, मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और थोड़ा सा लिया है मैंने मक्खन। तो बटर और ऑयल दोनों ही मैंने साथ में लिए हैं। तो बटर जब गर्म हो गया है उसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, और ऐड कर दी है प्याज। और सारी सब्जी जितनी भी ली है ना उनको लेंथ वाइज कट किया है, और इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस सोटे कर लेना है हाई फ्लेम पे ताकि सब्जियों का क्रंच बना रहे, बस हल्का सा मतलब गल जाए, 20-30% कुक हो जाएं। और इधर देखिए बेटा मेरा रेडी हो गया है स्कूल यूनिफॉर्म में, और वो बैठ गया है अपना रिवीजन करने के लिए। आज उसका पेपर है MSc का, तो वो बस रिवाइज कर ले रहा है। और इधर देखिए मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी थी, शिमला मिर्च भी अच्छे से हो रही है हाई फ्लेम पे। और यहाँ पे ना मैंने दही जमाने को रखी थी रात में, सो वो सेट होके तो आ रही है लेकिन मतलब नीचे से अभी हल्की हल्की जम के आ रही है अभी, मतलब गर्मियों में तो एकदम जम जाती है पर सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं इसमें इसको ना दोपहर में ऊपर रख दूँगी धूप में, तो एकदम से अच्छे से जम जाएगी, क्योंकि अगर वैसे गर्म करूँगी या ऊपर से गर्म दूध डालूँगी ना तो वो फटने का डर रहता है। तो चलिए, और इधर देखिए मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, और साथ में जो अपने स्पाइसेस हैं धनिया पाउडर, हल्का सा मिर्च पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी भी ऐड किया है, और साथ में डाल दिया है थोड़ा सा सॉल्ट बस इसी मसाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो वो है मैक्रोनी उनमें तो ऑलरेडी सॉल्ट है। और यहाँ पर देखिए मेरा बड़ा बेटा लगा हुआ है अपने उसमें, वो न्यूज़पेपर लेके बैठा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसको पढ़ रहा है। तो चलिए, और इधर मैंने दूसरी साइड को इंडक्शन पे चाय रख दी थी बनने के लिए, वो भी हमारी बन गई है। और इधर झटपट से हमारा जो मसाला था सब्जी वाला वो तैयार है, और उसमें ऐड कर दी है मैंने ये बॉइल्ड मैक्रोनी, हल्का सा टॉस कर दिया है, ऊपर से मैं डाल दूंगी टमाटो सॉस, और 2-3 चम्मच मैं इसमें डालूंगी मेयोनीज, बहुत ज़्यादा सॉस नहीं डालूंगी, थोड़ा सा ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर सा आ जाए इसमें। और बस इसको हल्का सा चला दूंगी और झटपट से ये हो जाएगी तैयार। तैयार है और मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया है, बस मैं आ गई थी फटाफट से अपने बेड को समेटने के लिए। दोनों ब्लैंकेट हैं ना यहाँ पर अभी फैले हुए थे, तो बस इनको तह लगा के रख दूंगी। और आज ना मुझे ये बेड शीट चेंज करनी है, 3-4 दिन हो गए इसको बिछे हुए, 4-5 दिन सॉरी, तो इसको चेंज करना है। पर मैं ये सब काम करूँगी अभी बाद में, पहले उसको स्कूल भेज देती हूँ, चाय नाश्ता कर लेते हैं सब लोग बैठ के, उसके बाद में आगे का काम कर लूँगी, बेड शीट चेंज करने का या जो भी होता है। सो बस यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं उसका टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, रख दूँगी। और जो चम्मच है ना वो मैं अलग से दूँगी, मतलब फोक दूँगी साथ में, वो अलग से दूँगी क्योंकि इसमें रखूँगी ना तो वो मतलब चिपचिपी हो जाएगी, सो अलग से रख लेगा। साथ में एक बॉटल रख दी है पानी की, तो बस यहाँ पर ऑल सेट है सब कुछ। अब हम फटाफट से कर लेंगे चाय नाश्ता, क्योंकि 15-20 मिनट है उसकी वैन आने को।
बस मैं अब अपने बच्चों के साथ बैठ के आज का ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रही हूँ, यम यम वाला। और बेटा यहाँ पे भी अपनी नोटबुक खोल के बैठा है, कह रहा मम्मी बस एक चैप्टर बचा है लास्ट का रिवाइज करने को, तो मैं कर लेता हूँ। होता ही है ना, बच्चों को एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा सिंसियर हो जाते हैं, तो चलिए होना भी चाहिए। सो वो चला गया है स्कूल, अब आएगा वो 3 बजे के लगभग आएगा। सो यहाँ पर बस मैं लग गई हूँ अपने घर के आगे के कामों में। और ये गाड़ी का कवर हटा हुआ रखा था, निकाली थी अभी परसों तरसों, फिर नहीं रहा इसको ढकने का ध्यान, आज मैं मेरे ध्यान में आ गया, मैंने कहा चलो मैं इसको कवर कर देती हूँ, फिर धूल मिट्टी बैठती रहती है। और रात में ना इतनी तेज़ हवा चली थी, पूरे घर में डस्ट डस्ट हो रखी है यहाँ, स्पेशली यहाँ वाली एरिया में। हालांकि जो सुबह वाली झाड़ू है वो मैंने निकाल दी है पूरे घर में, लेकिन सुबह जल्दी जल्दी निकालती हूँ ना, अच्छे से नहीं होता। और ये जीना रह गया था, और ना जीना मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही धुला था पूरा पानी से, लेकिन कल इतनी तेज़ हवा चली है ना, पूरे जीने पे धूल धूल हो रखी है, और वो नहीं होती जो बारीक वाली मिट्टी होती है, महीन वाली डस्ट, वो हो रखी है सारे में। सो बस मैं इस वाली एरिया को अच्छे से कर दूंगी साफ, तो पोछा लगाने से पहले एक बार मैं फिर से सारे में झाड़ू निकाल दूंगी, जीने पे, अंदर बाहर सारे में, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। ये देखिए कितनी ना महीन वाली धूल निकल रही है, पूरे में मिट्टी मिट्टी हो रखा है। सो चलिए बस मैंने झाड़ू निकालने के बाद पूरे घर में अच्छे से लगा दिया है पोछा, हो गया है घर मेरा बिल्कुल साफ सुथरा। और उधर मैंने पानी कर दिया था गर्म नहाने के लिए, उसके बाद मैं शावर ले लिया है, और बस हल्का फुल्का फ्रेश हो जा रही हूँ। बाल ना मेरे बहुत ख़राब हो रखे हैं, मैं मार्केट गई भी थी उस दिन, मेरे को मेहंदी लानी थी और मैं बिल्कुल से भूल गई, और फिर जब घर आई ना तब मुझे ध्यान आया कि हाय मैं मेहंदी नहीं लेके आई। सो अब हस्बैंड आएंगे, फिर उनके साथ जाऊँगी मार्केट, तब लेके आऊँगी। होता है ना, दिमाग में तो था लाना था, पर मार्केट के वहाँ पे बिल्कुल दिमाग से निकल गया, तो मैं मेहंदी नहीं लगा पा रही। पहले तो मैं इसलिए नहीं लगा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी थी, अभी मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगा है, दिन से रहता है, धूप भी अच्छी निकल रही है रोज़। सो मैं सोच रही हूँ अब मैं लगाऊंगी मेहंदी। नहाने से पहले ना मैं किचन में दाल रख गई थी बॉईल होने के लिए, मैं आज मिक्स दाल बना रही हूँ दोपहर के खाने के लिए, और उसमें टाइम जाता है पकने के लिए, आधा से पौना घंटा चला जाता है गलने को, तो मैंने उसको रख दिया था पहले, उसमें सीटी आ गई है, गैस को मैंने थोड़ा लो कर दिया है। और यहाँ पर ये ना मैंने सुबह में भी साफ़ किया था इस वाली एरिया को, लेकिन बार बार फैल जाता है, आयुष क्या करता है वो चीज़ उठाता है रख देता है, तो सुबह से शाम तक मुझे 8 से 10 बार तो इसको मैनेज करना ही होता है। तो बस यहाँ पर मैंने चीज़ों को सेट कर दिया है, और अभी मैं इसकी भी ऑयलिंग कर दे रही हूँ, सिर में लगा दूंगी तेल अच्छे से। और इसको मैंने कल सावर दिलाया था, तो आज मैं नहीं दिला रही हूँ इसको। सो बस यहाँ पर मैं बाल वाल इसके बना दूंगी, हल्का सा मुंह पे क्रीम लगा दूंगी, हाथों पे और मुंह पे हम मॉइस्चराइज कर दूंगी इसकी स्किन को, और दैट्स इट, बस ये हो जाएगा। और इसने फिर से ना ब्लैंकेट खोल लिया, ये इस पे बैठता है तो इसको ढकता रहता है, तो चलिए कोई नहीं है, मैंने उसके पैरों पर डाल दिया अच्छे से। और यहाँ पर मैंने उसका टी वी चलाया हुआ है, तो वो अपना टी वी देख रहा है। और ये देखिए दाल मेरी हो गई है बॉईल अच्छे से, लगभग पौना घंटा पक गई है ये। और इधर दूसरी साइड को मैंने रख दिया है चावल स्टीम करने के लिए, और आज का मैं सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ, तो मैं बस रमचे से ही लगा दे रही हूँ, ज़्यादा तामझाम मैं नहीं कर रही, क्योंकि जो मिक्स दाल होती है ना वो ऐसी सिंपल तड़के वाली भी अच्छी लग जाती है। और तो मैं बस जीरा, धनिया, मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर मुझे अच्छा लगता है, पर अमचूर पाउडर नहीं है आज मेरे पास, हाँ सॉरी गले में पता नहीं कैसे था अचानक से फंदा सा लग गया बोलते बोलते। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है रमचे से ही, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो सॉस, और इसमें थोड़ी टाइट हो रखी है तो हल्का सा पानी ऐड करके इसको एक उबाला दे दूंगी, और हमारा जो लंच है ना वो भी बन जाएगा, 12:30 का ये टाइम है इस टाइम। सो बस हमारा खाना ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। तैयार है, अब मैं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए लगा लूँगी खाना, थाली लगा दी है मैंने उसकी, और वो यहाँ पे खड़ा है, वो बार बार हाथ करके बता रहा है, पेट को पकड़ पकड़ के उसको भूख लगी है, क्योंकि आज सुबह कुछ हैवी नहीं था ना, मतलब मैक्रोनी थी बनाई थी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी ही बनाई थी, तो उसको भूख लग जाती है जल्दी, तो बस मैंने दे दिया है। और यहाँ पर मैं दाल में ही मैंने दही डाल दी है, इस वाली दाल में ना मुझे दही अच्छी लगती है मिक्स करके खाने में, सो मैंने इसी में डाल दिया, अलग से खाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे ऐसे मिक्स करके खाने में मज़ा आता है।
और इससे जो दही की खटास है ना, थोड़ा जो इसमें मुझे अमचूर पाउडर की कमी लग रही थी वो खटास भी आ जाएगी। अरे हालांकि वो अलग टेस्ट होता है, ये अलग है, लेकिन फिर भी तो काफ़ी यम थी। अब हम लोगों ने खा लिया है खाना। उसके बाद अगेन मैं आ गई अपनी किचन में थोड़ी हल्की फुल्की सी सफाई करने के लिए। इस टाइम पे ज़्यादा तो मैं करती नहीं हूँ, एवरी नाइट में करती हूँ अच्छे से क्लीनिंग। इस टाइम पे तो बस मैं हल्का सा कपड़े से पोंछ दूंगी। तो पहले सूखे कपड़े से सूला सूखे कपड़े से मैं एक बार पोंछ दे रही हूँ गैस को और काउंटर टॉप को। उसके बाद एक बार इसको गीला करके निचोड़ के अच्छे से पोंछ दूंगी। तो बस यही है, बर्तन मैंने डाल दिए हैं, बर्तन भी मैं साथ के साथ कर दूंगी साफ। और सो बस यही है मेरा मॉर्निंग से लेके इस टाइम तक का रूटीन जो कि मैंने आज शेयर किया आप लोगों के साथ। और रात को मैं बनाऊंगी साग, तो वो मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबके लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी और रूटीन के साथ। कभी कभी मैं क्या बोल देती हूँ ना, मुझे खुद नहीं पता रहता। चलिए फ्रेंड्स, कोई नहीं, तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड बाय।